हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लेके आ गए एपिसोड 3। तो हम जा रहे दूल्हा के घर इनविटेशन कार्ड देना, है ना। स्पेशल कार्ड है उनके लिए, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो दिखाएंगे हम लोग आराम से। आप लोग ब्लॉग के मजे लो। सो गाइस, हम हो चुके हैं बहुत लेट, तो हम लोगों को भागते भागते जाना पड़ रहा है। मुझे यहाँ का मतलब जो वेदर है वो नहीं समझ में आता। सुबह सुबह देखोगे तो इतना धूप, इतनी कड़ी धूप कि इंसान जल के मर जाए। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल जाए। और रात को यूँ ठंडी लगती है कि वो रजाई लेके सोना पड़ता है। हमारे एबी के साथ बहुत एकदम रफ्तार रफ्तार रफ्तार। पीछे गाय ही दिख रही हो। मार रे साले का, खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा अभी तो देख लो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को कोलकाता बाजार जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को कार्ड वहीं से कलेक्ट करना है। और यहाँ का एड्रेस तो मुझे नहीं पता है, एबी के साहब हमें बताएंगे कि कहाँ कैसे जाना है। तो अभी कोलकाता बाजार से फिर वापस कैसे आएंगे रिटर्न तो वापस है। फिर वापस हम लोगों को यहाँ पे स्टेशन आ रहा है, वो इनविटेशन कार्ड लेके फिर वापस ट्रेन में बैठ करके ट्रेन से सफर है। फिर रिटर्न जाना है हम लोगों को पाकुड़, क्योंकि वहाँ पे दूल्हे का घर है। दूल्हा दूल्हे जो दूल्हा है उसका घर वहीं है, तो वो स्पेशल कार्ड दूल्हे के फैमिली वालों के लिए बना है ना। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहे, ब्लॉग। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग ब्लॉग पे बने रहे, हेलो ब्लॉग पर बने रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चलो वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करो, चलो। सो गाइस, एक बहुत कमाल की बात पता चली है। जैसे मुंबई में हम पानीपुरी वाला, टैक्सी वाला, किसको भी जो भी है, वो लोगों को अंकल या फिर चीचा बोल देते हैं। यहाँ पे बहुत ही इज्जत से बोला जाता है काकू। काकू मीन्स, काकू मतलब अंकल। अच्छा, बंगाली में काकू का मतलब भी अंकल होता है, तो बंगाली में अंकल को भी काकू बोलते हैं। तो सेम ही हुआ, लेकिन काकू लफ्ज़ थोड़ा अच्छा लग रहा है बंगाली में। काकू दाड़ान दाड़ान थोड़ा अच्छा है। तो ये बंगाली लफ्ज बहुत अच्छे होते हैं। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन जो प्योर बंगाली होते हैं ना, वो थोड़ा हार्ड होता है। मेरे को समझ में आ जाता बंगाली, बट बोल नहीं सकता हूँ इतने अच्छे तरीके से। यहाँ पे आके वही प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मार्केट नहीं जा पाता हूँ। फिर मार्केट में अकेले जाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि उतना अच्छे तरीके से बंगाली नहीं आता है। एंड फॉर माई स्पेशल पर्सन, स्पेशल पर्सन बोगोशिपो आई वेरी मिस हिम। मार रे साले का, खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा उतना इंग्लिश नहीं आता, सॉरी। बट बोगो शिपो आज ये जिसके लिए वो समझ जाएगा। हम लोग कार्ड लेने तो आ गए, और बेचारा अभी भी परेशान है, कार्ड लेने आए हुए। जिसके दुकान में कार्ड बनाने दिया, वो भाई कहीं घूम रहे। तो फिर हम लोग को मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ गए। अभी देखो तो ही ना है कार्ड वाले का, तो वो आएंगे और बताएंगे कि है कि नहीं, अभी तक बना है कि नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। बहुत टेंशन हो गया पहले, ट्रेन लेट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी आएंगे तो बेहतर होगा। समझ आ रहा है, आपको जल्दी आना होगा, आपको पता है काम जी। जी क्या रूडली बात कर रहा है यार, क्या रूडली बात कर रहा है शी। हमारा ट्रेन लेट हो जाएगा, हम लोग को वो मसला है और कुछ नहीं। बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं यार, यहाँ के लोग बहुत बेकार। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं।
सो गाइस, बहुत देर तक बैठने के बाद एबीके ने कहा कि चलो कुछ गाना गाते हैं। सो मैंने गाना चॉइस किया सच कह रहा है दीवार। अरे भैया शर्मा रहे कहाँ है भैया, शर्मा कहाँ है भैया, अबे थाने बड़ा हरामी हो। सो गाइस, ये हमारा मतलब नॉर्मल इनविटेशन कार्ड है जो फैमिली में बटा है। ये हमारी बहन सानिया खानम, मुझे यहाँ पे चाचा की याद आ गई, सागिर खान, और ये दूल्हा का नाम है, और ये सब है टाइमिंग वगैरह, मतलब रेड और गोल्डन और सिल्वर कलर में पूरा है, मस्त है। लेकिन मुझे अभी भी इंतज़ार है वो उस कार्ड का जो दूल्हे लोग के घर पे जाएगा, क्योंकि मैं इधर नहीं था, मैं मुंबई में था, इन लोगों ने अकेले अकेले प्लान के, बदमाश, मुझे बताया नहीं इसने, ये अचानक बताया मुझे, तो मुझे वो देखना है। अंकल बोल रहे अभी भी टाइम लगेगा, कितना टाइम। हमें इतने देर से वेट करवा रहे हैं अंकल यार, पहले से जब ऑर्डर लेते हो तो पहले से बना के रखो ना, मेरा कहना ये, बट ये अभी तक बना के नहीं रखा ये बंदा। अभी हम लोग आए लेने तब गया बनाने, और ये इतने देर से खड़ा रखा है, दस मिनट करके ये एक बजा दिया है, मेरी ना सनक गई है, थक गए यार खड़े रह के, हम लोग जाना भी, अभी ट्रेन का सफ़र करना है, फक यार फक। ये उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा, जो इंसान जिस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है ना, तो उसे चाहिए कि वो चीज़ पूरा करे, कैसे भी हालत में, मरते दम तक। अब जब तुम बोल दियो कि करोगे, और तुम फ्री में नहीं कर रहे हो, तुम पैसा ले रहे हो तो तुम्हें पूरा करना ही है। अभी तुम्हारी गलती है ना कि तुम अगर नहीं कर रहे हो पूरा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इतना। अभी रिटर्न हम लोग ने फ़ोन किया तो बोलते हैं 5 मिनट का, बस आ रहा हूँ, क्या ही करें। ट्रेन में आ गए, हमारे हिसाब ने हमें बोले 3 मिनट लेट है, और भगा भगा के लाए, और हमारा टोटो वाला भी हैवी ड्राइवर निकला जो इतना भगा भगा के लाए। हमें एक नया अजूबा मिला है, बहुत अच्छा है, देखा उठो रे आलसियो, रात को क्या अनारकली का मुजरा देखते हो जो इतना लेट उठते हो। हमारा ये महाशा ये सही में लेट उठता है, ये बहुत लेट उठता है, क्या मालूम अनारकली का मुजरा देखता है या अनारकली के साथ बातचीत कर। तो गाइस, हम लोग ट्रेन में बैठ के आधा घंटा हो चुका है, शायद से अभी पहुंच जाएंगे ना, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ट्रैवलिंग में थक जाते हैं ना, थकावट हो जाती है, करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम लोग जो ये ट्रेन में चढ़े, ट्रेन नीट एंड क्लीन है, तो पहली बार मैंने ऐसा ट्रेन देखा, बहुत बहुत साफ है। और ट्रेन में जिसके पास पैसा नहीं रहता, पैसा BTS लवर, ये हार्ट तुम लोगों के लिए भी और ये पैसे वालों के लिए भी, जिसमें पैसा नहीं रहता है बेचारों, जो प्यासा मरते हमारे जैसे, हम गरीबों के लिए। उन लोगों के लिए ट्रेन में ना पीछे एक मशीन लगी हुई है, वहाँ पे पानी मिल जाता है, वहाँ पे पानी आराम से मिल जाता है, तो एक उस चीज़ का जो टेंशन रहता है वो ख़त्म हो गया है। इस ट्रेन में वो चीज़ का टेंशन नहीं कि पैसा नहीं है तो पानी भी नहीं, पानी है बट एक बॉटल एक्स्ट्रा रख लिया करो, क्योंकि हमारे पास मौका है पानी पीने का, लेकिन बॉटल नहीं है, प्यासे मर रहे हैं। इधर आओ और नज़दीक आओ। बोल रहा हूँ कि हम लोग विदाउट टिकट चढ़े हैं ट्रेन में, टिकट नहीं है चढ़े, ऐसा हमारे गांड में कितनी चर्बी है देख लो। आप लोग ऐसा मत करना पड़ा, क्योंकि बहुत रिस्की है, हमारे जेब में पैसे है, इसके लिए हम चढ़ गए, TC कितना फाइन मारेगा हम लोगों को आइडिया।
आप लोग ऐसा मत करो, वरना फिर हर्ष को बोलूंगा हर्ष तुम लोग को मारेगा। गाइस आई विल गिविंग यू अ स्ट्रिक्ट वार्निंग कि अगर ट्रेन में या फिर कहीं पर भी सफ़र करें एक बॉटल पानी ले लो, क्योंकि पानी के लिए तरस ही होगा। तो प्यास नहीं लगा, बहुत गंदा वाला प्यास लगा, पानी रहते हुए भी पानी नहीं पी पा रहे क्योंकि बॉटल नहीं है। बॉटल लेकर रखा करो, चाहे खाली हो खाली बॉटल रखो, लेकिन रखो क्योंकि बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग में पानी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस हम लोग पाकुड़ में उतर चुके हैं, देख लोग बैठे पीछे। अभी यहाँ से अभी वापस से ऑटो पकड़ना है, कुछ 10 किलोमीटर दूर बता रहा है गूगल मैप में, और हमें अभी पकड़ना होगा फिर टोटो। नहीं मेरे पास कुछ है, ये ले लो। मैं ये मोबाइल से नहीं निकलने वाला, इसकी दुनिया मोबाइल ही है। हम सेफली उतर गए बाबा, एक पानी वाला नहीं दिख रहा यार, फक तो यार पानी वाला मिल जाए यार। गाइस दुआ करो, जगह ऐसा शहर टाइप नहीं, ये भी गांव जैसा ही थोड़ा। हड़ा तू गाड़ी का नाम देखो और उतारा कहाँ है देखो। यह मैं कह रहा है हम हैं, मैं हूँ ना, मेरी जान करके कह रहा है। अगर ये गलत जगह लेके गया मुझे तो सब इसके ऊपर है, क्योंकि मैं नया हूँ बाबा, मेरे को कुछ नहीं मालूम है यहाँ का, A to Z कुछ नहीं मालूम है मेरे को, तो सब इसी के हाथ पे। जो ट्रैवलिंग का जो ब्लॉग होता है, ट्रैवलिंग करते हुए जो ब्लॉग बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है ब्लॉगिंग करना, फिर भी कर लेते हैं वो लोग। बहुत लोग जितने भी ट्रैवलिंग करते हुए ब्लॉग बनाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करो, सबको, सिर्फ मुझे नहीं सबको, क्योंकि बहुत गंदा बहुत गंदी वाली फटती है यार। पब्लिक के रिएक्शंस और भी बहुत कुछ तो बताऊंगा कभी किसी दिन, एक कंटेंट ऐसे ही निकालेंगे अपन, सब सारी तकलीफ बता देंगे, सारी तकलीफ कि कब कैसा किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कैसा। अभी ये मुझे इतने देर से चला रहा है, मोबाइल में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक मतलब ना टोटो कर रहा है ना ऑटो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। कितना पैसा बचाएगा रे गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, ऐसा शर्वारा है जैसे गर्लफ्रेंड ही नहीं हो ऐसा। कितना दो टेम्पो खड़ा था, दो टेम्पो खड़ा था, लेकिन ये बोला कि भूख लग गया, भूख पहले तो प्यास लगी थी, तो हम मामा के यहाँ गए थे तो मामा ने पानी पिला दिया, अब लगी हमें भूख और हमारे हाथ में पैसा जीरो। हमारी बहुत गंदी लगी, बड़ी बहुत गंदी लगी। मूढ़ी खा रहे अभी, मूढ़ी सस्ता। फिर भी अभी काम चलाने के लिए खाना तो पड़ेगा। इतना मतलब बाबा शाम के टाइम में ब्लॉग बना वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इतने धूप में ब्लॉग मत बना वो बेहतर है। लेकिन क्या करें, बनाना पड़ेगा ना, देह पूरा निकल जाएगा फिर ब्लॉग कभी बनाएगा इंसान। लेकिन जब भी ट्रैवल करो ना, जितना ज़्यादा हो सके पैसा रखो, जितना ज़्यादा हो। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो में पर पर्सन का इधर आ गया ना, मेरी जान मेरे बात। तो पर पर्सन का ये 20 रुपीस ले रहे हैं, चार ही बात पक्का है उसके बाद है, जानते हैं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पैसा नहीं निकालू, मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा बैंक जाने का, तो मैं पैसा निकाल दूँगा। ठीक है देखते हैं फिर कैसा होता है क्या होता है। अभी आए हुए नई जगह है, पूरा नया जगह है, फर्स्ट टाइम आए होता है। चलो मैं ये खा के फिर कंटिन्यू करूँ।
इनके मोबाइल के अलावा और कोई काम ही नहीं, कब से मोबाइल चला रहे। स्टाइल तो देखो, शाहरुख खान का बेटा लगे। आज सुबह से हमें सिर्फ हैवी ड्राइवर मिल रहे बाबा, यू 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 लहरा दिए, एकदम सांप बना दिए। क्यों अभी ऑटो वाला? अरे भाई, हम लोग जब रामपुरा स्टेशन पे जा रहे थे तो ऑटो वाला ने तो क्या वहाँ बैन कर दिया था निकालना। हम तो बोले भाई धूम फोर में तुम्हें लेंगे, फाइव में, सॉरी धूम फाइव में तुम्हें लेंगे। तो वो इतना सीरियस हो गया कि बोलते हैं आपका घर और नंबर दे दो तो मैं आऊँगा, तो आप वो पिक्चर में मुझे ले लेना। कोई तो थोड़ी मतलब इज्जत दिया इतनी अच्छी। तो गाइस हम लोग पहुँच गए, अभी गाड़ी से उतर गए हम लोग और दुकान भी दिखा दिए। किसका दुकान? हाँ तो हम प्रमोशन भी करेंगे लेकिन उसका पैसा हम हाथ धुलाई में काटेंगे। मज़ा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अल्लाह, हम पहुंच गए लेकिन हमारा बम दम सब हिल गया। हाँ गाना खाली गाड़ी यानी गाड़ी में सिर्फ गाना चला था, बम डिगी डिगी बम बम, हो गया काम हमारा। वही है ना यंग फैशन, हम नहीं बनाएंगे वीडियो। तो हम आ गए अभी हमारे दुल्हा के दुकान में, इनका भी न्यू न्यू ओपनिंग हुआ है। हाँ मुँह दिखाई लगेगा, दूल्हा को दिखाऊंगा तो सब आप सबको पैसा देना पड़ेगा, फ़ोन पे कर देना। अभी ये पूरा है दुकान है इनका। तो आपसे गुजारिश है कि आप अगर यहाँ आए तो पाकुड़ में इन्हीं की दुकान में विजिट करें और सब सामान खरीदें, आपको ए टू जेड सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा ना, परफ्यूम से लेके बेल्ट से लेके अंगूठी रिंग वगैरह सब, ये रहा यहाँ पे है, चश्मा वगैरह सब है, मनी बैग परफ्यूम्स। अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह ताला इससे भी अच्छा अच्छा माल आ जाएगा। आगे जूता है, हाँ, और आगे शूज़ भी है। देखो शर्ट्स वगैरह सब मिल जाएगा आप लोगों को। शूज़ का एरिया पूरा, सॉक्स शूज वगैरह सब मिल जाएगा आप लोगों को, जो चाहिए ए टू जेड सब मिल जाएगा। ये पसंद आ गया मुझे। कोई फोन पे कर दो मैं खरीद लूँ। हमारे आबिद साहब ये इन्हीं का दुकान समझो थोड़ा। ये क्या शेरवानी वगैरह भी बेचते हैं क्या? क्या ये कोट? हाँ ब्लेजर है, सही है ब्लेजर है, ये दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वरना फिर मसला हो जाएगा। ये देखो हूडी, हम आएंगे मुंबई जाने से पहले आएंगे इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे बहुत सारा। तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के रखे हुए सब सब दिल्ली मुंबई के आइटम्स हैं, आपको पाकुड़ में मुंबई का मज़ा मिलेगा इंशाल्लाह। आइए और सब ले करके जाइए, सब है ए टू जेड सब सामान है, मस्त सब मिलेगा। हमारे यहाँ के सेल्समैन आपको हो सके तो 10% या 20% डिस्काउंट दे देंगे। दोगे कि नहीं भैया? भैया चेहरा दिखाओ, 10% डिस्काउंट सबको है यहाँ पे, आपको लेबल लगा हुआ दिख जाएगा 10% डिस्काउंट मांग लेना, यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे 10% डिस्काउंट। सीलिंग का दिखा, सीलिंग जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए हमारी जमाई को और इनके जीजा को। ये तो ऐसा शर्मा रहे जैसे इनकी शादी हो रही है और इनके लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से कहाँ गया?
वाला ये वाइट चश्मा वाला जेब में भर लिया तू, ये देखो चोर जेब में भर लिया वाइट वाला, बोला अच्छा ले ला ये भर लिया है।